देखने के लिए। और अब आप लोग देखेंगे आगे। हाँ मीन्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग मेंशन पहुंच चुके हैं। सब लोग गाड़ी से उतर के मेंशन में चले जाते हैं। मिस्टर जॉन हमारा कमरा किधर है? आप चिंता मत करिए, आपको नैन्सी आपका कमरा दिखा देगी। नैन्सी इन दोनों को इनका कमरा दिखा दो। ओके सर। हाय मैम, मेरा नाम नैन्सी है। चलो मैं आप दोनों को आपका कमरा दिखा देती हूँ। वैसे तो आप लोग माफी आओ, लेकिन कभी कभी सास बहू वाले सीरियल के बहू जैसा एक्टिंग करते हो आप लोग। एक ही वीक की तो बात है, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। टाइम स्किप, जंकुक अपने रूम में सो रहा होता है और तेज जंकुक के रूम में जंकुक का ड्रेसिंग करने आती है। जंक, अरे डोर तो खुला है लेकिन फिर भी मैं नॉक करके जाती हूँ। मैं अंदर आ रही हूँ। हाँ ये तो सो रहा है, सोते वक्त कितना मासूम लगता है, लेकिन जब जग जाता है तो एक नंबर का डेविल हो जाता है। दो दो गोलियां लगी है इस इंसान को, पता भी नहीं चल रहा। पता नहीं सिर्फ दर्द भी होता होगा या नहीं। अच्छा तो तुम्हें ये लगता है कि मैं एक डेविल हूँ? ये जगा हुआ था, मर गई मैं। मौत के मुंह में हाथ डाल दिया मैंने। तुम जगे हुए हीरो थे। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो बस यहाँ तुम्हारा ड्रेसिंग करने आई थी। अरे अरे डॉक्टर जी, डर क्यों रही हो तुम? तुमने तो बिल्कुल सही बात कहा, मैं सच में डेविल हूँ। तुम्हें तो इसके लिए अवार्ड मिलना चाहिए। और क्या कह रही थी तुम? तुम और मेरा ड्रेसिंग करोगी? बिल्कुल नहीं, नहीं करवाना मुझे। अक्कर तो देखो, ड्रेसिंग नहीं करवाएगा। हाँ तुम समझते क्या हो अपने आपको? बहुत बड़ी माफिया हो गए हो तुम। इतने बड़े माफिया हो गए कि तुम ड्रेसिंग भी नहीं करवाओगे? हाँ इतना इम्पोर्टेंट काम छोड़ के आई हूँ मैं अपना, और ये बोल रहे हैं कि इन्हें ड्रेसिंग नहीं करवाना। हाँ अगर मैं डॉक्टर नहीं होती ना तो इसके मुँह पे पक्का एक पंच मारती। मैंने इसका जान बचाया, थैंक यू तो छोड़ो, मुझे अच्छे से बात भी नहीं करता। अब क्या हुआ, मेरा चेहरा क्यों घूर रही हो? मैंने कहा ना मुझे ड्रेसिंग नहीं करवाना है तो नहीं करवाना है। अब जाओ करवा लो, अगर तुम ड्रेसिंग नहीं करवाओगे तो जहाँ सर्जरी हुआ है वहाँ इन्फेक्शन भी हो सकता है। जी हाँ मीन्स आपने बिल्कुल सही समझा, अपनी तयंग अपने मन में ही जंकुक के ऊपर चिल्ला रही होती है। देखिए मैं आपके भले के लिए बोल रही हूँ, प्लीज आप अपना ड्रेसिंग करवा लीजिए, क्योंकि जहाँ पे आपका सर्जरी हुआ है वहाँ पे इन्फेक्शन होना बहुत ही कॉमन बात है। और ऊपर से मुझे स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स भी मिले हैं कि आपकी दवाइयाँ और आपका ड्रेसिंग टाइम से होता है, तो प्लीज आप ड्रेसिंग करवा लीजिए। और भला ये ऑर्डर्स तुम्हें किसने दिए? आपके भाइयों ने दिए। ठीक है फिर मैं तैयार हूँ, करो मेरा ड्रेसिंग। फिर जंकुक गुस्से में अपना शर्ट उतारने लगता है ड्रेसिंग करवाने के लिए। रुक जाओ, तुम उधर क्यों देख रही हो? इधर देखो। नहीं मैं ठीक हूँ। नहीं अरे इधर देखो, ड्रेसिंग करो मेरा। वैसे भी सर्जरी तो तुमने ही की है मेरी, यू हैव सीन इट ऑल, तो क्यों शर्मा रही हो? आमिस मुझे ऐसा कोई क्लिप नहीं मिला जिसमें ड्रेसिंग टाइप का कुछ चीज हो रहा है, तो प्लीज आप इमेजिन कर लो। और मुझे पता है आप एक आमी हो तो आपकी इमेजिनेशन लेवल बहुत ही हटके होगी, एकदम 100 में 100%। तो प्लीज आप इमेजिन करें ना कि ते जंकुक को ट्रीट कर रही है। डन हो गया। अब मैं चलती हूँ। हाँ आपको कोई भी जरूरत होगी तो मुझे पक्का बताना, मैं आ जाऊंगी। आपका ड्रेसिंग हो गया, आप आराम कर लीजिए। बाय। अरे डॉक्टर तेयंग रुक जाओ, कहाँ जा रही हूँ इतनी जल्दी? हाँ मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं हाँ आपकी मेडिसिन लेने जा रही हूँ। मैं आपकी मेडिसिन लेने जा रही हूँ जिमिना के साथ। जिमिना को भी देखना है कि वो ठीक है कि नहीं, जिंदा है कि मर गई। फिर भी वहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दौड़ के चली जाती है। अरे मिस डॉक्टर, मिस तेयंग और चिकित्सक जी रुक जाओ। ये सारा इवेंट जो हुआ वो लाइव टेलीकास्ट में शुगर ज्योब देख रहे होते हैं। भाई जो मैंने देखा वो तूने भी देखा? मेरा भाई हंस सकता है, भाई हमारा भाई हंस सकता है। इतने दिनों बाद, कुछ 4 साल के बाद में उसे हंसते हुए
के बाद जूंगी अपने रूम में चला जाता है। हाँ, ये क्या हो रहा है मुझे? मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? आपने मुझे बचाया? मैं अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मुझे उससे मिलना है। जूंगी जीविना से मिलने चला जाता है। अदर साइड किम नामजन से जाके बोलती है कि उसे अपनी बड़ी बहन से मिलना है जिसका नाम है किम सबजिन। किम सबजिन भी एक डॉक्टर है और उसी हॉस्पिटल में काम करती है जहाँ तेयोंग और जिमिन काम करते हैं। और जिन अभी अमेरिका में थी अपने मॉम डैड के साथ, उनसे मिलने के लिए गई थी, इसीलिए जिनको तेयोंग और जिमिन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो वो नामजन को हॉस्पिटल भेजते हैं जिनको मेंशन लेके आने के लिए। बॉस, आप अकेले हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं? आप मुझे बताइए वो कौन है, मैं उसे ले करके यहाँ पे आ जाऊंगा। और आपको पता है ना कि उसके आदमी पूरे शहर में घूम रहे हैं। काय, मैं ही जाऊंगा उसे लेने के लिए, और वो भी अकेले। क्या तुम मुझे इतना कमजोर समझते हो कि मैं 10-20 आदमी से फाइट नहीं कर सकता जब वो मेरे सामने आएंगे तो? नहीं नहीं सर, वो मेरे कहने का मतलब नहीं था। सर, आप कहाँ जा रहे हो? रुकिए सर, प्लीज। आपका स्वागत है सर। ठीक है ये सब बाद में करना, अब मुझे बताओ कि डॉक्टर किम सबजिन कहाँ पर है, मुझे उनसे मिलना है और अपने मेंशन लेके जाना है। सर एक बात बोलो, गुस्सा मत होना, अगर आप जीन को भी लेके चले जाएंगे तो यहाँ पेशेंट्स का ध्यान कौन रखेगा? अच्छा, मुझे लगता है तुम्हें अपनी जान और ये हॉस्पिटल प्यारा नहीं है, इसीलिए ये सब बकवास कर रहे हो, है ना? नहीं नहीं सर, मैं तो मजाक कर रहा था, आपने तो दिल पे ले लिया। आप लेके जाओ ना, डॉक्टर जिन को भी लेके जाओ। अन्योन्या से हो सर, क्या आप ही है जो मुझे अपने मेंशन लेने के लिए आए हैं? और क्या मेरी बहनें भी वही है? प्लीज मुझे बताइए। जिमिन, जिमिन कहाँ हो तुम? आप मुझसे मिलने के लिए आए? अरे मैं भी कितनी पागल हूँ, आप मेरा नाम पुकार रहे तो मेरे से मिलने आएंगे ना? क्या काम है बताइए? तुम्हें पता है जिमिन, तुम बहुत क्यूट हो। मुझे क्यूट बोला? मैं क्यूट हूँ, लेकिन वेट अ मिनट, मैं सिर्फ क्यूट हूँ, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ। क्या मतलब है आपका? मैं सिर्फ क्यूट दिखती हूँ, मैं ब्यूटीफुल नहीं दिखती क्या? आपने मेंशन आते टाइम भी कार में कहा था कि मैं क्यूट दिख रही हूँ, ये कभी नहीं कहा कि मैं ब्यूटीफुल दिख रही हूँ, सुंदर दिख रही हूँ, हॉट दिख रही हूँ, सेक्सी दिख रही हूँ, मैं सिर्फ क्यूट दिखती हूँ क्या? एक मिनट, क्यूट का मतलब ब्यूटीफुल नहीं होता? नहीं, क्यूट का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्यूट होता है। अच्छा चलो, मान भी लिया कि मैं तुम्हें क्यूट बोलता हूँ, तो तुम्हें क्या, तुम्हें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं तुम्हारा तो कोई नहीं लगता हूँ ना? नहीं, मैं इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार। छोड़ो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे जिमिन रुको। क्यूट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग हमीज, एंड आई नो मैं ये पार्ट डालने में ना बहुत लेट कर दी, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा पक्का, ओके? तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाय।